जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम पशुओं के प्रजनन के प्रति आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमने ऐसे आवारा सांडों को मतिया कर दिया है जो उनका एजी है, विग्रसिटी है, मारने की क्षमता है, उत्तेजना है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग मतिया करने का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो सबसे पहले मतिया कर इस समय हरा चारा बहुत मौजूद है। हमारे यहाँ किसान भाई कुछ क्या करते हैं, पेटम से हरा चारा उठाया और उस हरे चारे को पशु को दे दिया। बोला जब भी हरा चारा एक साथ देंगे उसको डायरिया की समस्या शुरू हो जाएगी और डायरिया की समस्या शुरू हो जाएगी आप कहेंगे कि शराब वालों को भी शराब का शराब पास रह जाएंगे। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक चौथाई उसमें भूसा जरूर मिलाए, एक चौथाई भूसा मिला करके और अपने पशुओं को दें तो डायरिया की समस्या जाप जाप पा सकते। किन किन कारणों से पाचपन होता है? नंबर एक, कोई भी संक्रमण चाहे गाय में हो चाहे भैंस में हो, नंबर एक। नंबर दो, खान पान, आपके पशु का कैसा खान पान है, उसमें विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भूसा सही अनुपात में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तीसरा, मिनरल मिक्सचर जो लवण है, खनिज लवण, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, ये जो मिनरल मिक्सचर है ये आपके पशु को मिल रहे हैं सही अनुपात में कि नहीं, आपके पशु में कहीं हार्मोन की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से वो गर्भधारण नहीं किया, आपने जो गर्भधारण कराया सही समय पर हुआ कि नहीं, सही समय पर गर्भ हुई उसके अनुपात में जो 12 से 18 घंटे के बीच में गर्भाधान हो जाना चाहिए उस दौरान गर्भाधान हुआ कि नहीं, गर्भाधान करने के बाद ये सब मैनेजमेंट कहीं आपका पशु गौरव तो नहीं किया, उससे भी प्रभावित होता है, बॉडी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो सीमेन उसके पोल्ट्री और फैलोपियन ट्यूब में जाना है तो ऊपर जाने के बजाय बाहर आ जाएगी, मिनरल्स की कमी हो गई, पोषक तत्व की आदि पशु को कमी हो गई, तो लाख अच्छी क्वालिटी का सीमेन दो दो में तीन तीन बार रिपीट कराइए वो नहीं पूछेगी क्योंकि पोषक तत्व नहीं है उनको, न्यूट्रिशनल ताकत ही नहीं मिल पा रही है, ये बाहर कर जाएगी। आप शिकायत करेंगे सीमेन खराब है, आप एआई गलत कर रहे हैं, आप दो चार रुपये घिसक रहे हैं। उनको डोज देने से पहले हमें आपको छोटा सा काम करना है क्योंकि हमारे खेतों में ही मिनरल्स की डिफिशियंसी है, 30 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर, ठीक है, 30 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर। जैसे अगर हमारी कंपनी का अगर आपको अच्छा लगे देना है तो रिप्रो प्लस आता है, रिप्रो प्लस गोल्ड हमारी कंपनी के अंदर जिस अच्छी कंपनी का लगता है तो उसको लेके दे सकते हैं, ये आपके विवेक पर है। मेरा देना है तो रिप्रो प्लस गोल्ड आता है और वो आप 30 से 50 ग्राम लेकर के और देखिए मिनरल की डिफिशिएंसी दूर हो जाएगी।